नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी महेंद्रगढ़ मार्ग पर 3 वाहनों की हुई टक्कर, 1 व्यक्ति की मौके पर मौत, 3 घायल। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे भिवानी, कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए जींद में तिरंगा रैली निकालने की दी जानकारी। युगपुर स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए हलवासिया विद्या विहार में हुआ व्याख्यान एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भारी धुंध के चलते गांव ललाना व लोहानी के बीच दूसरे दिन पुनः एक सड़क हादसा हो गया और यह हादसा सहायता करने वाले पर ही भारी पड़ा। दरअसल खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहे परवीन जब दुर्घटना वाहन चालक की जान बचाने लगा, तभी एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने परवीन की जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं इस हादसे में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। धुंध के कारण प्रदेश भर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दिन पहले ही इस सड़क पर 2 वाहनों के बीच टक्कर हुई थी और रविवार सुबह पुनः गांव ललहाना और लोहानी के बीच एक सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक कैंटर पेड़ से टकरा गया था। कैंटर ड्राइवर हादसे में गाड़ी में ही फंस गया था, जिसे निकालने के लिए खाटू श्याम से दर्शन करके लौट रहे गाड़ी को रोका गया तो प्रवीण नामक युवक फंसे ड्राइवर को निकालने की सहायता कर ही रहा था कि तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल डाला, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका चाचा साधुराम विजेंद्र व कैंटर चालक संजय बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं मौके पर जाँच अधिकारी ASI लालजीत जुई से पुलिस चौकी से पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर उसका सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और उसे परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं फरार ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अपनी जांच आरंभ कर दी। एक्सीडेंट हुआ है ललहाना से लुहानी रोड से, ठीक है, और 3 गाड़ियां भिड़ी। एक पहले हुई थी, भिड़ी थी, उसमें एक कार चालक आए जो खाटू श्याम से आ रहे थे और उनको पीछे से ट्रक आया लापरवाही से, लगता उसने कार में भी टक्कर मारी ट्रक में। इसमें एक परवीन कुमार की मृत्यु हो गई और 2-3 यहाँ जिस बीमारी में इलाज करवा रहे। परवीन को भाजपा युवा मोर्चा द्वारा जींद में निकाली जाएगी मोटरसाइकिलों पर तिरंगा रैली, यह कहना है भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव का। उन्होंने स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में युवा मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए कहा और तिरंगा रैली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह व प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचने के बारे में भी जानकारी दी। स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में जिला युवा मोर्चा सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रदेश के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष यादव ने बताया कि आगामी 15 फरवरी को जींद में लगभग 1,00,000 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रैली निकाली जाएगी और इस अवसर पर उन्होंने बताया कि रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष रूप से शिरकत करते हुए प्रदेश में पहुंचने वाले युवा शक्ति को संबोधित करेंगे और रैली का नेतृत्व स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। इस अवसर पर जिले से सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से सुना। आने वाली 15 फरवरी को हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का जींद में हरियाणा में प्रवास है। उसी प्रवास को लेकर मेरा प्रत्येक जिलों में तैयारियों को लेकर जाना है, उसी में भिवानी जिले भी आज मैं पहुंचा हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रवास के दौरान एक बड़ी मोटरसाइकिल यात्रा, 1,00,000 नौजवान पूरे प्रदेश भर से 90 की 90 विधानसभा 22 जिलों से जींद पहुँचेंगे, तो युवा मोर्चा की उसमें अग्रिम भूमिका रहे क्योंकि युवा और मोटरसाइकिल महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम युवा मोर्चा को मिला है। तो भिवानी से ज़्यादा संख्या में हमारा ये प्रयास है कि हर बूथ से 10 मोटरसाइकिल पहुँचे, ऐसा आह्वान प्रत्येक जिले से हमने किया है। तो उसी सिलसिले में आज भिवानी जिले की बैठक। भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे में डंडे का काम युवा मोर्चा करता है और उसी प्रकार से आज एक ऊर्जा का संचार पूरे प्रांत में करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है और एक सकारात्मक वातावरण जिस प्रकार से हमारे कार्यकाल में, हमारी सरकार में, हमारे शासन में है, तो युवाओं को एक एनर्जी देने के लिए कार्यक्रम की रचना है
और इसमें युवा प्रदेश भर से बढ़ चढ़कर भाग लिया। रविवार को स्थानीय हलवासिया विद्या विहार में अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा युग पुरुष स्वामी विवेकानंद विषय पर व्याख्यान एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर काव्य में विशेष रुचि रखने वाले डॉक्टर शिवकांत शर्मा द्वारा स्वामी जी के जीवन पर कविताएं प्रस्तुत की गई। वहीं बच्चों द्वारा भी बढ़ चढ़कर काव्य गोष्ठी में भाग लिया गया। हलवासिया विद्या विहार में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद विषय पर एक व्याख्यान के आयोजन में बोलते हुए डॉक्टर नंदलाल मेहता ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को मनाई गई थी। इसी विषय पर उनके सम्मान हेतु व उनके स्वागत हेतु इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत ही महान कार्य किए थे। इस अवसर पर बच्चों द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वहीं समारोह में डॉक्टर शिवकांत शर्मा ने अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा कार्यक्रम में से अतिथियों व विजयी बच्चों को सम्मानित भी किया गया। स्वामी विवेकानंद की स्मृति में गत 12 जनवरी को उनके जन्मतिथि रही, उसके संदर्भ में उनकी अभिवन्य उनका समादर करने के लिए, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए हम लोग आए। स्वामी जी ने देश के लिए जो किया है वो ऐसा विलक्षण कार्य किया है, ऐसा महान कार्य किया है जिसे देश भूल नहीं सकता। जब लोग हताश निराश थे, उस समय उस महापुरुष ने उठकर ऊपर सारे देश को एक चेतना दी, युवकों को जागृत किया। उसका कहना था कि युवक ही इस देश का कल्याण करेंगे। उन्होंने न केवल देश का भ्रमण किया, विदेश में भी गए। सबको पता है कि इसी प्रकार शिकागो में जाकर उन्होंने हिंदू जीवन शैली, जब वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें सबको एक स्वर से मानना पड़ा कि वास्तव में यदि कोई धर्म है तो हिंदू धर्म है, जो सारे संसार के लिए कुछ दे सकता है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास और वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखें तो विवेकानंद के जन्म को हम भारतीय युवा वर्ष या युवा वर्ष के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी हमारे लिए युवा जीवन के लिए युवा वर्ष है, युवा का दिन है। चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भिवानी महेंद्रगढ़ मार्ग पर 3 वाहनों की हुई टक्कर, एक व्यक्ति की मौके पर मौत, 3 घायल। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे भिवानी, कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए जींद में तिरंगा रैली निकालने की दी जानकारी। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए हलवासिया विद्या विहार में हुआ व्याख्यान एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।